हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल फील्ड इंजीनियर। दोस्तों, ये मेरा एनिमल शेड है। यहाँ पे फाउंडेशन हो रखी है, तो इसके बीच में मेरे को वाटर सप्लाई की लाइन डालनी है। मैं वाटर सप्लाई के लिए CPVC का पाइप यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी क्वालिटी क्लास वन है और SDR-11 का पाइप है। अभी यहाँ पे देखिए, पहले मैं इसका बता देता हूँ। यहाँ पे फाउंडेशन है, एक फाउंडेशन यहाँ पे है, ठीक है। अभी ये जो फाउंडेशन है, इसका मैं बताता हूँ इधर साइड से। ये देखिए, जो ये बीच वाला डबल स्टील है, यहाँ मेरी वाल आएगी 200 की, और जो ये साइड वाला इस तरफ स्टील है और इस तरफ स्टील है, ये है 100-100 की वाल आएगी। ये साइड पे दोनों स्टील क्यों दिया गया है वो मैं बताता हूँ। जो बीच वाली आपकी जो वाल बनेगी ना, इस वाल पे आपका पानी का पॉइंट आएगा और इसी वाल पे खूंटी लगेगी जिसे जानवरों को बांधा जाएगा, ठीक है। और ये जो ये साइड वाला स्टील दिया हुआ है, ये इसलिए दिया गया है, इसकी जब वाल बनेगी, ठीक है, ये तो वाल हाइट पे होगी ये वाली। जब ये वाल बनेगी, इसके बीच में बॉक्स बनेंगे 750x750 के, तो उसमें 6 बॉक्स बन रहे हैं। 3 बॉक्स पानी पीने के रहेंगे जानवरों के, और 3 बॉक्स जो रहेंगे वो उनके चारे के लिए रहेंगे। 6 बॉक्स इस तरफ बनेंगे, इधर जानवर खड़ेंगे, और ऐसी सेम 6 बॉक्स इधर बन रहे हैं और इधर जानवर खड़ेंगे। और इसमें जो पाइपलाइन डालनी है मैंने CPVC की, वो मैं कैसे डालूंगा, अभी काम शुरू हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो बीच में जो वाल दे रखी है यहाँ पे, ये पार्टीशन वाल है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे ये भी 200 की वाल है, ये सिर्फ पार्टीशन रहेगी। इसका काम ये है कि इधर का जानवर इधर ना आए और आपस में भिड़े ना, खाली पार्टीशन दे रखी है। और जैसे ये मैंने फाउंडेशन यहाँ पे बनी हुई हमारी, वैसी सेम फाउंडेशन यहाँ भी सेम फाउंडेशन है, ठीक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे CPVC का काम शुरू हो चुका है। ये मेरा 50 mm का CPVC का पाइप है, SDR-11। SDR मतलब स्टैंडर्ड डायमेंशन रेशियो। और यहाँ पे देखिए, मैं टी लगा रहा हूँ 50x20 की, 50x20 की। तो इसमें मैंने 3 टी लगाई है, 3 टी में से मैं 6 पॉइंट निकालूंगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, इधर भी आपका पानी पीने का रहेगा और इस तरफ भी रहेगा, तो मैंने 3 टी लगाई है। और 3 टी को मैंने लेआउट से पहले नाप लिया है, यहाँ पे मैंने इस पर लेआउट कर रखा है राफ्ट के ऊपर, लेआउट से मैंने नापा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें, आपको जो सोलमेंट ये लगा रहा है पाइप के ऊपर, ये आपको अच्छी तरीके से लगानी है, ताकि कल को आपकी लीक कर सकता हूँ। अच्छी तरह लगा के उसको साथ ही साथ इसको पुश कर देना है कपलिंग के अंदर। इसको हवा नहीं लगनी चाहिए, अगर इसको हवा लग जाए तो ये सूख जाता है। ये देखो कैसे पुश कर रहा है। और ये जो मेरा एल्बो मारा हुआ था, ठीक है, हाथ है बंदे का, ये एल्बो मेरा सीधा यहाँ से पाइपलाइन निकालूंगा, मैनहोल में जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, इसमें मैंने ये देखिए, ये 50 के पाइप से ये 20 का पॉइंट वर्टिकल खड़ा किया, ये 20 का पॉइंट वर्टिकल खड़ा किया, उसमें से मैंने 2 पॉइंट निकाले, ठीक है। ये 2 पॉइंट निकाले हैं, एक जो अगला तीसरा पॉइंट है उस पर भी मैंने 20 का पॉइंट देखा, उस पर भी 2 पॉइंट निकाले हैं। हाँ, ये 20 के 2 पॉइंट हैं। और उसके बाद उस पर एल्बो लगा रखी है ब्रास की, 15 mm की ब्रास की एल्बो। 2 पॉइंट हो गए, एक उस तरफ, एक उस तरफ, यानी कि 2, 2, 4, 2, 6 पॉइंट दिए मैंने।